बॉलीवुड के गानों की बात की जाए और 90 के दशक के गाने ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेलोडी के मामले में इन गानों का कोई जवाब नहीं है। 90 के दशक में कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक समेत कई ऐसे गायक हैं जो आजकल कम ही सुनने को मिलते हैं। तो चलिए आपको 90 के दशक के ऐसे ही 5 गायकों के बारे में बताते हैं। कुमार सानू। 90 के दशक में फिल्मों में रोमांटिक गानों का मतलब कुमार सानू होते थे। आशिकी, साजन, सड़क, 1942 अ लव स्टोरी और परदेश जैसी फिल्मों में कुमार सानू ने सुपरहिट गाने दिए। उदित नारायण। 90 के दशक की कई हिट फिल्मों को याद करें तो उदित नारायण का नाम सबसे पहले आता है। दिल, आशिकी, फूल और कांटे, बेटा, चमत्कार और जो जीता वो सिकंदर जैसी फिल्में हैं जिनके हिट होने में उदित नारायण के गानों की अहम भूमिका रही है। अलका याग्निक। लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद जिस फीमेल गायिका के गाने सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए वो अलका याग्निक है। 90 के दशक में हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म के गानों में अलका की आवाज सुनाई देती थी। अनुराधा पौडवाल। बॉलीवुड में एक दौर ऐसा था जब अनुराधा पौडवाल की आवाज का हर कोई दीवाना था। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को अनुराधा की खोज माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि गुलशन कुमार उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे। अभिजीत भट्टाचार्य। 90 के दशक में गायक अभिजीत भट्टाचार्य का सिक्का चलता था। अभिजीत को पहला ब्रेक संगीतकार आरडी बर्मन ने दिया। एक वक्त ऐसा था जब वो शाहरुख खान के लिए हर फिल्म में आवाज देते थे।